नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक नाइस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो महज ₹1.25 पर ट्रेड हो रहा है। और हमारे कुछ दोस्तों ने इसके बारे में हमसे पूछा है और बोला है कि इसका टेक्निकल एनालिसिस करके बताओ। पर दोस्तों, आप लोगों की मांग पर तो मुझे करना ही पड़ता है। वैसे तो ये शेयर बहुत ही कम दामों मिल रहा है और ऐसे शेयर हमेशा धोखा ही देते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये शेयर हमें धोखा देगा। ये बहुत बड़ा मौका है। सभी तरह के बातों पर, सभी तरह के टेक्निकल है जो फंडामेंटल एस्पेक्ट पर बात होगी, शेयर के खुलकर चर्चा होगी, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर से नाम सुनते ही समझ में आता है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। ये कंपनी इंगेज प्रोविजन टेलीकॉम टावर ऑफ शेयर बेसिस ऑफ मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर। इट्स सर्विसेज इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एनर्जी सर्विस। एंड कंपनी वाज फाउंडेड इन 2004 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। और ये ज़्यादातर जो टेलीकॉम टावर वगैरह बनते हैं उनको बिल्ड करती है। और 2004 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मतलब कि यहाँ पर समझ सकते हो ना, टावर बिल्डिंग का काम है इस कंपनी का, टावर कंस्ट्रक्शन का। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसके एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना बुरी तरह से पिटी है कंपनी। एक साल में -30% का यहाँ पर नुकसान हुआ है इस कंपनी में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और सब फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ इस शेयर में क्या होने वाला। देख सकते हैं दोस्तों, मिनटों में 4% की मंदी आ जाती है और सेकंडों में ही ये शेयर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो देख सकते हैं कि आज किस तरह का गोरख धंधा शेयर में चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। चार्ट भी, डेली का चार्ट भी इस तरह नज़र आ रहा है जैसे सेकंड का चार्ट खोल लिया हो किसी शेयर का। तो ठीक है दोस्तों, फिर भी आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों की मांग है, तो चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। एक चीज़ नज़र आ रही है इस शेयर में कि यहाँ से एक सपोर्ट नज़र आ रहा है जिस पर शेयर बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो चलिए इस सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद एक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है चार्ट पैटर्न, जिसे ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, यहाँ से शेयर जिस तरफ का भी ब्रेकआउट देता है उस तरफ की ट्रेड लेते हैं। तो इसमें तो वैसे भी क्या ही ट्रेड लेंगे दोस्तों मेरे। तो देखो दोस्तों, सच बता दूँ, ऐसे शेयर मेरी कभी भी पसंद नहीं रहते। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि FNO में जो शेयर ट्रेड करते हैं उनमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। तो आप लोगों को एक तो मतलब क्या होता है ना कि वो शेयर इतनी जल्दी गिरते नहीं, देखते रह सकते हैं ना, हर सेकंड में ये 4% गिर रहा है हर सेकंड में। तो सोच रखते हो किस तरीके का इस शेयर में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 4% की मंदी, 4% की, देख सकते हैं ना, मतलब क्या किस लेवल का चल रहा है, मेरे समझ से बाहर। तो ये चार्ट पैटर्न है जिस पर हम लोग अगर ब्रेकआउट होता है तो आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। वैसे मेरी सलाह ऐसे शेयर से दूर रहने की रहती है। इसमें चार्ट पैटर्न ही क्या बन रहा है, बस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ से ऊपर निकलता नजर आएगा तो आप लोग ले सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर भी आप लोगों की इच्छा है तो क्या करें, फिर भी अगर कोई दोस्त इसे रखना चाहता है, किसी के पास ऑलरेडी है, तो वो यहाँ पर फिर उसके ₹1.05 पर इसका लास्ट सपोर्ट नज़र आता है। उसके बाद इस शेयर को मत रखिएगा, क्योंकि उसके बाद तो ये शेयर 0.20 पैसे तक भी गया है। तो मतलब वही बहना, जीरो से हीरो, या तो आप जीरो कर लेंगे या हीरो बन जाएंगे, यही इन शेयरों में रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शेयर पहले भी इतने नीचे जा चुका है, 20 पैसे तक जा चुका है जो शेयर का दाम, वो शेयर फिर से कहाँ तक जा सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 15 पैसे तक भी गया है ये, तो 20 पैसे मैं माफ़ कीजिएगा, 15 पैसे तक भी शेयर का दाम गिर चुका है एक दो बार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोबारा भी गिर सकता है। मजबूत सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो 1.15 पे है, यानी ₹1.15 पे, उसके बाद तो शेयर की हालत ही बुरी हो सकती है। तो बाकी ये है कि देखिए, ये जो शेयर होते हैं इसमें ऑपरेटिव बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत लोग ऑपरेट करते हैं इन शेयरों को, और फिर इसमें पंप एंड डंप चल रहा है। आप लोगों को ऐसे सस्ते शेयर खरीदवा कर वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो 400 day मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं 400 day मूविंग एवरेज के भी नीचे है शेयर, तो डाउन ट्रेंड में ही है शेयर, अप ट्रेंड में अभी तक कोई भी संभावना नहीं है। बात की जाए प्राइजेक्शन की, अगर प्राइजेक्शन के हिसाब से चले जाए तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती और हाई का फॉर्मेशन नहीं बनाता है शेयर, तो हम लेंगे नहीं।
अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वैसे 1.95 रुपये के ऊपर बनेगी। वहाँ तक जाने के लिए उम्मीद लगाना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है आपके जैसे दोस्तों। तो चलिए ऐसे शेयर के बाद चलिए इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं, क्या करता क्या है भैया, कमाई धमाई कर रहा नहीं कर रहा, क्या हो रहा। 364 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिटेबल मार्जिन 0.41% का है, नुकसान देखिए कितना नेट नुकसान में है, 317 करोड़ के नुकसान में है कंपनी, ठीक है। 317 करोड़ का नुकसान इस बार है, पिछली बार किया था 280 करोड़ का नुकसान, उससे 800 करोड़ का, तो पूरे TTM बेसिस पे देखेंगे तो 1600 करोड़ से ऊपर का नुकसान चल रहा है इस कंपनी में। मतलब चली क्यों रही है कंपनी, बंद कर दो ना। तो देखिए दोस्तों बुरी हालत है, नुकसान पे नुकसान करा रही है, हर क्वार्टर में इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर दिखाती है कंपनी, और ये बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है, जिसके चलते अब कोई भी इसमें मतलब इन्वेस्ट क्यों करेगा जब कोई नुकसान। देखिए दोस्तों ये एक बात समझ लीजिए आप लोग, ये बात बिल्कुल बांध लीजिए, जो कंपनी प्रॉफिट नहीं करती लगातार क्वार्टर 3 क्वार्टर में, उसमें तो इन्वेस्ट करना ही नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान दिमाग में बात रख लीजिए, फिर आप लोग बच जाएंगे। फंडामेंटल देखने जरा से जाओ और ये देख लो, जिस वेबसाइट पर मैं देख रहा हूँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग जाके देख सकते हैं और आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। इस ऐसी वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ऐसे गलत शेयरों से बचाना, मैं चाहता हूँ आप लोग बच जाएं, अपना पैसा बचा लें, कुछ सीख लेंगे तो फिर अर्न भी कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों अर्निंग से पहले लर्निंग पे ध्यान दें, और लर्निंग के लिए आपका भाई यहाँ पर मौजूद है, जल्दी जल्दी जाइए, हमारे चैनल पर उपलब्ध बहुत सारे कोर्सेज, उन्हें देखिए, टेक्निकल ऐसे कोर्स देखें, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, ऐसे कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को बस ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ आप लोगों को इस हमारे चैनल पर उपलब्ध सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद फटाफट से बेल आइकन भी दबाना है। बेल आइकन नहीं दबाएंगे दोस्तों तो आप लोगों को नुकसान है, सही समय पर सही वीडियो देख लेंगे ऐसे शेयर से बच जाएंगे आप लोग, और वहां पर अपना बहुत बड़ा नुकसान करने से बच सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। सही समय में ब्रेकआउट वगैरह होता रहता है उनके ऊपर वीडियो बनाता हूं, तो दोस्तों देखना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना। साथ साथ अगर आप चाहते किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना तो कमेंट बॉक्स में भर दो दोस्तों, बता दो, सब वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो, आप लोग भर के लिखो कमेंट में, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जिस स्टॉक के बारे में जानना समझना चाहते हैं। तो आपका भाई है यहाँ पर, फटाफट से दोस्तों अगर आप लोग अपने जल्दी से लर्निंग को स्पीड को तेज करना चाहते हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, ग्रुप बनाइए अपने दोस्तों जिसमें हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, और साथ में देखिए और फिर डिस्कस कीजिए। कुछ समझ नहीं आता तो हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपके कन्फ्यूजन दूर करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेड लीजिए, ट्रेड लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करेंगे, कुछ सही ट्रेड लेंगे, उन्हें लिखिए, आपस में डिस्कस कीजिए, ये गलतियाँ नहीं करेंगे, ऐसे ही ट्रेड करेंगे तो आप जल्दी से सीख पाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मौजूद है दोनों प्लेलिस्ट।